अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार, आज का टॉपिक है कि द डे व्हेन आई मेट बिलाल अब्बास हजर अली एंड मोहम्मद अहमद गॉन रॉन्ग। सही। तो हुआ क्या था उस दिन कि ना, हमारे मामू और हमारी जो मामी हैं उनकी यहाँ दावत थी, मतलब हमारे कज़न्स की, सही, उनकी यहाँ दावत थी। तो हमें और हमारे खाला को वहाँ पर जाना था उनके घर पे। सही है। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमारी फैमिली वाले पहुँचे, खाला नहीं आई थी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे। सही है। फिर हम लोग उनके घर जब भी जाते हैं तो फिर नीचे अपार्टमेंट्स के पार्क होते हैं। सही है। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। हम लोग वहाँ पर जाते हैं अपने कज़न्स वगैरह के साथ, मेरी बहनें भी जाती हैं, खेलते हैं हम लोग वहाँ पर। सही है। जब मैंने डिसाइड किया था मैं घर जा रहा हूँ, मैं थक गई हूँ, और वो लोग वहीं पर थे। सही है। मैंने डिसाइड किया मैं घर जा रहा हूँ, तो मतलब लिफ्ट के पास से थोड़ा सा ही फासला दूर था, तो मुझे मिले बिलाल अब्बास और मोहम्मद अहमद। सही है। जो कि ये हैं, अब वो लोग मुझे मिले। सही है। बहुत ना, बिलाल अब्बास तो कसम से लाइक बहुत ही एटीट्यूड बॉय है। सही है। और मोहम्मद अहमद तो फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, वो मुझे नहीं पता किससे बात कर रहे होंगे। सही है। वो मतलब ऐसे घूमते घूमते बात कर रहे थे, और बिलाल अब्बास मतलब उनके सामने ही खड़ा हुआ था। तो मैं गया, मैंने एकदम से चौंक गया, मतलब ये लोग यहाँ पर क्या करें। मैं गया, बिलाल अब्बास हाथ मिलाया, मतलब काफ़ी ना एटीट्यूड वो है, मतलब ऐसे करके ना ऐसे करके हाथ मिलाया। तो मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा, भाई क्या इतना एटीट्यूड क्यों है इसमें। मैंने बोला चलो खैर भाई। फिर मैं ऊपर घर गया। सही है। मेरे बहनें वगैरह सब लोग पहुँच चुके थे तब तक पार्क से, उनको नहीं पता था कि मैं मिला हूँ। मैं ऊपर गया। सही है। मैंने उनको बोला कि मैं भी मिलकर आ रहा हूँ बिलाल अब्बास से, बस मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। सही। मैंने अपनी बहन को बोला जल्दी से अपना फ़ोन निकालो, मुझे चाहिए, मैं उनके साथ पिक्चर लेकर आ रहा हूँ। सही। उतने में ही हमारी वो कज़न आ गई। सही है। खाला आ गई हमारी। वो क्या बताती हैं कि वो लोग चले गए, हमने भी अभी उनके साथ पिक्चर ले ली है, उसने हमारी पिक्चर दिखाई और वो लोग चले गए हैं। बिल्कुल मतलब अपार्टमेंट्स के जो शुरू का होता है, स्टार्टिंग एंट्रेंस जो होती है वहाँ से, मतलब वो लोग जाने ही वाले थे तो वो लोग चले चुके होंगे। मैंने बोला मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो लोग चले गए होंगे, मैं फिर भी फ़ोन लेकर चला गया। सही। मैं फ़ोन लेकर गया। मैं तो भाई फुल मतलब एक्साइटेड था, और मुझे ना दुख भी हो रहा था कि वो लोग चले ना जाएं। सही। अगर चले जाते तो फिर मुझे बहुत दुख होता। अब क्या हुआ, मैं पहुंचा। सही। मैं थोड़ा सा घुमा फिरा, देखा मैंने नहीं थे। जब मैं वापस जाने वाला था ना, क्या हुआ कि तीन चार लोग मुझे ना नज़र आए, और उसमें से बिलाल अब्बास भी था, मोहम्मद अहमद भी थे। सही। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जल्दी से जाता हूँ भाई, ये ना हो कि ये लोग मुझे कटा दें। मैं जल्दी से उनके पास गया और पिक्चर मांगी। सही। पिक्चर मैंने बिलाल अब्बास से बोला कि मुझे आपसे पिक्चर चाहिए, लेकिन उससे बोला कि अभी मैं भी पिक्चर नहीं जा सकता, इनसे ले लो। वहाँ पर सजा ली थी, अब सजा ली। सही। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे साथ ले लो, नो इशू। मैंने उनके साथ पिक्चर ली। सही। और एक और भी कोई खातून थी, लड़की थी कोई, वो थी मोहम्मद अहमद की बेटी। वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। सही। वो मतलब टिकटॉक से ही फेमस हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, अब ज़ाहिर उनकी बेटी है तो फेमस तो ऑब्वियसली है ही। तो ये अब फिर उसके बाद मैं जब घर आया, सही, उनके साथ ही मैं लिफ्ट में आया। सही। वो लोग जहाँ पर जा रहे थे ना, जिस फ्लोर पर, वहाँ वो उसी सेम लिफ्ट पर मैं भी था। सही। फिर वो लोग निकले पहले, फिर मोहम्मद अहमद ने मुझसे पूछा कि अब जा सकते हैं क्या हम लोग। मैंने बोला जी जी आप लोग चले। फिर वो लोग हंस के चले गए। सही। उसके बाद जब मैं ऊपर गया, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं दिखाऊंगा, मैं तो बिलाल अब्बास से मिला, चलजरी से मिला, सजरी से। तो मैं ऊपर गया, अपनी मतलब सबको दिखाया। मैंने बोला मुझे नाम नहीं पता था उस वक्त इसका, मतलब मैंने लेकिन ड्रामों वगैरह में देखा था, बहुत फेमस है। मैंने बोला किसी से मिला हूँ, मतलब बहुत फेमस एक्ट्रेस है। सही। ये पिक्चर मैंने उनको पिक्चर दिखाई, वो लोग तो पागल हो गए कि मतलब सदर अली से मिले। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमें भी लेके जाओ, कहाँ पर है। मैंने बोला भाई ये लोग घर चले गए। सही। ये लोग अपने घर चले गए, अब तो इम्पॉसिबल ही है। सही। अब मैं आपको एक छोटे से ब्रेक की बात बताता हूँ। अच्छा, तो अब मैं पानी वानी पी कर आ गई हूँ, वापस हाइड्रेटेड हो गई हूँ। तो अब क्या होता है, मेरी बहनें कज़न्स वगैरह सब लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ मिले तुम लोग, ये वो, मुझे हमें मिलवाओ। मैंने बोला मैं तो नीचे मिल के आ चुका था, आपने मुझे बोला था कि वो लोग चले गए, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं गए, और अब वो लोग अपने घर चले गए, मतलब इसी अपार्टमेंट्स में ही घर चले गए। तो फिर उनको भी गुस्सा आता है कि यार मतलब ये सदर अली से मिल गया है तो हमें भी मिलना है।
तो उन्होंने बोला कि हमें भी जाने अब सही है। हम लोग वो लोग कहाँ रहते हैं, मैंने उनको बताया कि इस फ्लोर पे रहते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग हमारे सामने ही उस फ्लोर पर निकले हैं, मेरे सामने मतलब सही है। तो उन्होंने पूछा कि कौन से फ्लोर पर रहते हैं, मैंने बता दिया कौन से फ्लोर पर रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें भी ले कर चलो, हमें जाना है, हम लोग मिलकर आएंगे, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अगर नहीं निकले तो वापस आ जाएंगे, वरना अगर निकल गया तो हम लोग वेट करेंगे, वो फिर चलेंगे उनसे। मैंने बोला सही है भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। अब फिर हमने अपने मामा को बताया और अपनी खाला को बताया कि हम लोग जा रहे हैं सही है मिलने के लिए। और हमारे कज़न्स ने ये नहीं बताया कि मतलब वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, वरना वो लोग बिल्कुल नहीं जाने देते। उन्होंने बताया कि वो लोग नीचे हैं, हम लोग उनसे मिलकर आ रहे हैं। अब उन्होंने ये बेवकूफ़ी की और मैं बाहर था घर के, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। क्या हुआ कि हम लोग उनके फ्लोर पर पहुँचे सही, उनके घर पर पहुँचे सही। हमें इतनी ताकत नहीं हो रही थी, हम लोग उनके बेल बजाएं सही है, बेल बजाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मतलब अगर बेल बजा देंगे तो फिर वो लोग आएंगे और फिर सारे के सारे नर्वस हो जाएंगे लोग। तो मैंने बोला मैं तो नहीं बजा रहा हूँ, मैं तो मिल चुका हूँ और मैं तो दूरी है सही है सब लोग। अब मेरा पागल एक कज़न है, क्या हुआ वो जाता है और ना वो घंटी हो जाता है, बेल बजाता है उनके घर की, तो फिर उनका ना प्यून निकलता है बाहर सही है, मोहम्मद अहमद का प्यून निकलता है, मतलब उनका असिस्टेंट वगैरह होते हैं। हमने उनसे बोला कि हमें उनके साथ पिक्चर लेनी है सही है, पिक्चर लेनी है हमें उनके साथ, तो प्लीज़ अगर 2 मिनट निकाल कर वो लोग बाहर सकते हैं पिक्चर ले सकते हैं। तो मैंने बोला अभी इम्पॉसिबल ही है क्योंकि वो लोग क्योंकि उनके गेस्ट आए हैं मोहम्मद अहमद के व्यार पास और सफर अली, तो अभी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि प्लीज़ बस 1-2 मिनट निकाल के उनको प्लीज़ बुला लें, हमें पिक्चर लेनी है एक एक। तो उन्होंने बोला चले फिर आप 5-10 मिनट वेट कर लें, वो लोग फारिग होते हैं चाय वाय पीकर वो लोग बाहर आएंगे फिर ले लीजिएगा आप पिक्चर। हमने बोला सही है, हमें थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा फिर फ्लोर में ना बेंचेस भी लगी हुई होती हैं, वहाँ पर हम लोग बैठ गए सही, थोड़ा सा वेट किया, ऐसी बातें होती कि अब हमारा कज़न को फिर से वो हुआ कि मतलब इतना टाइम क्यों लगा दिया। वो छोटा है कज़न ना, लाइक 8 से 9 ईयर्स का, उसने ना बिल्कुल भी अकल नहीं थी। वो गया फिर से उसकी उनकी बैल बजा दी, उनका प्यून निकला और ना हमें विजिट करने में मूड में था लेकिन नहीं किया। हमें बोला कि थोड़ा सा और टाइम वेट कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा ना एटीट्यूड मूड में आके बोला थोड़ा सा और टाइम भी वेट कर लीजिए, वो आते हैं तो प्लीज़ फिर मिल लीजिएगा और बैल मत बताइएगा। तो हमने उसे बहुत डांटा कि क्यों किया भाई तुमने ये वो, हमें उसे काफ़ी डांटा। तो फिर वो फिर से वहाँ पर गया सही, फिर से उनके घर पे गया बैल बजाई। अब क्या हुआ लास्ट टाइम जब बैल बजाई तो फिर मोहम्मद अहमद निकले सही समझ, वो निकले तो फिर उन्होंने ना डांटा थोड़ा सा, मतलब कि ये भाई ऐसा तो ना होता है सही है। अब फिर मुझे और मेरा एक कज़न है और हम दोनों बिल्कुल सेम एज के, अब हम दोनों का ना डर लगा भाई बेल बजाती है हम लोग तो नीचे भागते हैं। हम लोग फ़ौरन से नीचे भागे, वो मोहम्मद अहमद बाहर निकल चुके थे, तो उन्होंने मेरी कज़न को डांटा था। अरे हाँ सिर्फ मेरी कज़न और एक मेरा बहुत छोटा सा कज़न था जो कि बेल बजाया था सही है। और मेरी जो बहनें वगैरह थी उन्होंने बोला कि अब टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं। उन्होंने बोला चलो सही है हम लोग वेट कर रहे हैं। उससे फिर से बेल बजाई, वो बाहर निकले, हम लोग नीचे चले गए थे भाग कर सही सीढ़ियों से। तो उन्होंने डांटा कि भाई ऐसे तो ना, तो हमारा गेस्ट आए हुए हैं, हम लोग पिक्चर नहीं लेंगे आपके साथ, आपने मतलब हमें इतना डिस्टर्ब किया ये वो। अब हमारे कज़न में भी तो बिल्कुल भी अकल नहीं है ना। फिर बिलाल अब्बास आया उन्होंने बोला कि हमारे मेरी कज़न को बोला कि ऐसे करके ना इशारा किया कि मतलब इससे अगर हम लोग फारिग हो जाएंगे तो फिर हम लोग आकर पिक्चर ले लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो भाई उन सबकी मतलब बेइज्जती हो चुकी थी जब तक, हम लोग तो नीचे भाग गए थे सही, हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर हम लोग जब लिफ्ट में आए तो फिर वो लोग भी हमारे साथ ही आ गए लिफ्ट में। तो भाई उन लोगों की ना फुल मतलब हालत टाइट थी, रोने वाली शक्ल हुई थी, मतलब ऐसा डांटा था कि उन्होंने बताया कि फिर ये हुआ सही है, अब इनके मतलब इनके घर अब कभी नहीं जाना भाई ऐसे करके। तो मैंने बोला सही है अब नहीं आना। तो भाई काफ़ी मतलब एम्बैरेसिंग था कि अब घर वालों को भी बताया ऐसा है सब कुछ हुआ है। अब उनको सबसे मतलब मुश्किल मतलब मूड में आकर बताया कि सही भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था ऐसा, मैं तो किसी को नहीं पाई था। तो वो लोग काफ़ी शर्मिंदा भी हुए सही है। तो भाई आज की स्टोरी टाइम यही थी, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और मैं पिक्चर भी मैंने एक सज्जन के साथ जो पिक्चर लिए हैं वो मैं आपको पहले ही मैं आपको डाल के दिखा दूँगा, बल्कि दिखा दी होगी
सही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।